हकीम ने गर्दन को झटका दिया तो हड्डियां कच्ची थीं और वो टूट गईं। उसने तो एक्सरे भी नहीं निकलवाया था। जो अच्छे हकीम होते हैं वो एक्सरे करवाते हैं कि हड्डी कहां से टूटी है। बैठ सकती थी, हाजत कर सकती थी, लेकिन धक्के खाती चल नहीं सकती थी। टांगे और बाजू जख्मी हो जाते थे। हम गरीबों के पास ना तो पैसे थे ना इलाज करा सके। मैं घरों में काम काज करती हूँ, कभी 50 रुपए मिल जाते हैं, कभी तो वो भी नहीं मिलते। इस सूरत हाल में कहां और कैसे इलाज करवाते हैं? मानो 50 रुपए गोंदा कदे जुड़ी करे गोंदा जुड़ी सच्ची गाल करन बा। डॉक्टर ने बताया कि जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी तो हाथों पैरों में जो है वो इसे इसके हाथों पैरों में जो है ताकत आएगी, मतलब ज़्यादा जो है जैसे जैसे बड़ी होगी तो इसके जो बदन में है उसमें जो है वो ज़्यादा ताकत आएगी। जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर देखे हैं ना, वो तो MPA MNA के पावर रखते हैं वहाँ। वो तो डॉक्टर जो है ना हमारे लिए फरिश्ता। मैंने उनको बताया था जब हम मिले थे कि आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बेहतर हैं हमारे लिए। हमें ये नजर रखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता,